वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हमने ब्लॉग को ऐड करना है और उसमें ब्लॉग पोस्ट्स ऐड करनी है एंड देन उनको होम पेज के ऊपर शो भी करना है। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन हम चलते हैं जी अपने वेबसाइट के ऊपर और यहाँ से हमने ऐड करना है जी ब्लॉग को। ब्लॉग को ऐड करना बहुत इजी है। हम कुछ ब्लॉग के लिए आर्टिकल भी देख लेते हैं जी। टॉप 5 AI टूल्स फॉर डिजाइनर्स। ओके जी, ग्राफिक डिजाइनर्स। तो यहाँ से हम ब्लॉग आर्टिकल लिखेंगे। ओके अगेन चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास ब्लॉग का पेज है इसे कर देंगे हम डिलीट, क्योंकि वो हमने लिया था एस सिंपल पेज क्रिएट करने के लिए। इसे करते हैं आप डिलीट और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड एलिमेंट। ओके, और ऐड एलिमेंट पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे दी ब्लॉग पे क्लिक। ओके, इसे करेंगे हम ऐड टू साइट। ओके, तो ये हमें जो है ब्लॉग का एक पूरा जो है ना सिस्टम वो हमें बना के दे रहा है। ओके, तो ये ऐड हो रहा है। इसे ऐड करने के बाद इसमें जाके हमने 2 से 3 ब्लॉग पोस्ट लिखने हैं और ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद हम करेंगे इनको पब्लिश। ओके, तो पब्लिश करेंगे और फिर देखेंगे कंटेंट कैसे शो हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है क्रिएट पोस्ट, तो मैं इसे करता हूँ जस्ट क्रॉस और मैं करता हूँ इसको सर्च को जाके हाइड। ओके, सर्च को हाइड कर देंगे और ये जो है बिग सर्च इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और मेन्यू के अंदर से भी आई थिंक मैं इसको करता हूँ हाइड। ओके, तो ये वाला ब्लॉग ऐड हो गया। इसको करते हैं हम थोड़ा सा जी जस्टिफाई एंड देन कॉन्टेक्ट अस। ओके, अब करेंगे हम इसे सेव। ओके, अब हम इसकी डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करेंगे। तो जैसे ही मैंने ब्लॉग को ऐड किया तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है जी साइड पेजेस एंड मेन्यू। इसमें हमारे पास जो है वो एक ब्लॉग है और पोस्ट है, तो ये हमारे पास ब्लॉग का सेक्शन आ रहा है। जैसे ही हम इसको जाके क्लिक करेंगे एक को तो वो हमें उसकी पोस्ट दिखाएगा। ओके, ये हमारे पास ब्लॉग और फिर ये आगे इसकी ये पोस्ट है। ओके, इन पेजेस को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, वो फर्दर आगे करेंगे। तो अगेन बैक चलते हैं जी हम अपने पेज पे ब्लॉग पे और एक दो ब्लॉग आर्टिकल्स को हम पब्लिश करेंगे। ओके, एंड देन उनको हम यहाँ पे व्यू करेंगे। तो मैं चलता हूँ जी मैनेज पोस्ट पे, आप जाके क्लिक करना है। ओके, ये आपको कह रहा है जी क्रिएट पोस्ट। ओके, क्रिएट न्यू पोस्ट पे जाकर क्लिक करना है तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा। ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको देगा जी आपने इमेज लगानी है, गैलरी लगानी है, आपने कोई वीडियो अपलोड करनी है, गिफ है, कोई फाइल अपलोड करनी है। तो मैं कहता हूँ जी हम लिखते हैं इसका टाइटल। ओके, ये हो गया टाइटल जी और इस टाइटल को हम यहाँ पे करते हैं जी ऐड। ओके, AI भी आपको सजेस्ट करेगा टाइटल जी, हम इसे कहते हैं जी टाइटल बनाएं और ये इसने हमें दे दिया टाइटल। ओके, अब हमने अगेन कुछ लिख दिया, हम कहते हैं जी पहले इमेज लगा लेते हैं। ओके, तो इमेज पे जाकर करेंगे क्लिक। ओके, और वो कह रहा है जी आप इमेज लगाएं, इमेज हम ले लेते हैं जी यहाँ से और यहाँ पे लिखते हैं जी AI। ओके, ये ठीक है। ओके, ये इमेज आ गई। इमेज को अगर आपने साइज को करना है जी फुल विड्थ फुल कर ले, आपने ओरिजिनल साइज पर रखना है, आपने इसको स्मॉल फिट करना है, तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको देता है। हम इसे करते हैं जी मैक्सिमम। ओके, एंड देन आपने करना है कहीं पे भी क्लिक पेज के ऊपर सेव और अब आपने करना है जी ऐड टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे जाएंगे
और ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस देगा। तो मैं करता हूँ इसको जी थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं जी, डिवाइडर, ओके डिवाइडर ऐड करते हैं। एंड देन यहाँ पे लिखते हैं जी टैक्स, टैक्स हम उठाने के यहाँ से डॉट सी, ये हमारे पास आ गया टैक्स। और यहाँ पे एक बटन भी लगा देते हैं लर्न और कहते हैं उसे, ओके एक बटन, और इसे कहते हैं कि इसकी सेटिंग्स आपने लिंक लगा दें कि और, इस लर्न मोर को हम अटैच करते हैं लिंक, और लिंक लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ से आगे बढ़ने अगेन चलेंगे एंटर लिंक, लिंक ओपन इन न्यू टैब, ओके सेव, ओके इसको करता हूँ मैं पब्लिश, मे बी लेटर, ओके ये हमारे पास एक पोस्ट आ रही है, ओके अब हम चलेंगे अगेन पब्लिश करेंगे। जैसे ही आपने पब्लिश किया तो हम करेंगे जी व्यू, व्यू साइट, ओके हम चलेंगे जी ब्लॉग पे जाके हमने क्लिक करना है। ब्लॉग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको जो अभी हमने लिखा है वो शो करेगा, इसको आपने जाके करना है क्लिक। रीड पोस्ट पे चले जाएंगे, ये हमारा टाइटल, ये इमेज, ये शेप डिवाइडर, ये इंफॉर्मेशन जो हमने ऐड किया है। और जैसे मैं लर्न मोर पर क्लिक करूँगा ये न्यू पेज पे लेके जाएगा मुझे, ओके अगेन हम एक और ब्लॉग का आर्टिकल ऐड करते हैं। मैनेज पोस्ट पे आपने क्लिक करना है, जैसे ही आप मैनेज पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, ओके मैं लिखता हूँ जी AI टूल्स फॉर SEO, ओके ओके जी ये स्पॉन्सर एड है, ओके इसी को लगा लेते हैं, ओके अगेन हम जाएंगे क्रिएट न्यू पोस्ट, ओके इसका टाइटल कंट्रोल सी, टाइटल आ गया। अब हम यहाँ पे ऐड देना है जी कंटेंट थोड़ा सा, ओके और इसके बाद हम लगाते हैं जी टेबल 4x4, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आप, तो फीचर के उसके बाद कहते हैं जी प्राइसिंग, उसके बाद आप एक और ऐड कर लें एड, कुछ और भी ऐड कर दें, ओके फीचर में आप कुछ भी लिख दें उसके आगे, सेल्फ ना के अगर आपने इंफॉर्मेशन लगा दिया राइट समथिंग दैट यू हैव इन माइंड, ओके एड अगेन आप कुछ और ऐड कर सकते हैं, जो भी आप कंटेंट ऐड ऐड करेंगे कर लें। आपने जस्ट करना है पब्लिश पे क्लिक, ओके और ये हमारे पास सेकंड जो आर्टिकल है वो भी पब्लिश हो गया है। इमेज हमने कोई नहीं लगाई, अगेन हम इमेज भी लगा लेते हैं, तो हम करेंगे इसके बाद यहाँ पे क्लिक, सपोज वीडियो लगाते हैं जी, ओके अपलोड वीडियो, और वीडियो जो है हमारे पास ये वाली वीडियो बनाते हैं, ओके फुल विड्थ तो करेंगे हम पब्लिश, ओके ये हमारे पास वीडियो गेन आ गए। वेबसाइट को हम पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करने के बाद व्यू साइट करेंगे, अगेन जाएंगे हम ब्लॉग के अंदर, और ये हमें दो दो ब्लॉग शो कर रहे हैं, ओके ये हमने अभी लिखा है, ओके ये आपको शो कर रहा है फ्यू सेकंड्स एगो, और ये शो कर रहा है जी 4 मिनट्स पहले। अगेन मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमें हेडिंग दिखा रहा है, इसके अंदर जो कंटेंट है वो दिखा रहा है, और ये वीडियो दिखा रहा है, ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप डिफरेंट
कॉम्बिनेशंस को ट्राई करें और अपनी जो है लर्निंग को इम्प्रूव करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.